मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है? ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, क्लासेस लगी थी कल तुम्हारी? नो सर, कल कल तो मैंने नो वैसे सर। कह दिया था कि मतलब इफ यू वांट टू स्किप यू कैन डू इट। मैं चलो अच्छा कल सर, यस रक्षाबंधन है तो रहने देते हैं कल। सर। ठीक है, फिर ठीक हो गया सब कुछ? अच्छा ओके, चलो 2 मिनट वेट करते हैं अभी सबकी, है ना? आने देते हैं, ठीक अभी वेट करो, लीव मत करना है इसमें। स्क्रीन विजिबल है सबको? ऐसा ओके, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? कुछ आइडिया हो? चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक्स। फर्स्ट इज़ द थर्मामीट्री, ग्लास थर्मामीटर, कांस्टेंट गैस, वॉल्यूम थर्मामीटर, थर्मोकपल, हीट एंड वर्क, देन टाइप्स ऑफ वर्क ट्रांसफर। आई थिंक लास्ट क्लास में हमने वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद जीरोस लॉ, ऐसा है ना? और वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट टेम्परेचर, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, एंड व्हाट इज थर्मोमीटर। ये सारा डिस्कस किया था हमने, है ना? एंड लास्ट जो स्लाइड में वी डिस्कस्ड अबाउट ग्लास थर्मोमीटर। सो टुडे वी विल डिस्कस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। नाउ दिस डिवाइस जो है, ये वाली कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर है, दिस इज़ नॉट मतलब यूज्ड इन आवर, यू कैन से, डे टू डे ऑपरेशंस, बट यूजली इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड यू कैन से साइंटिफिक रिसर्च वर्क, बिकॉज इट इज़ क्वाइट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज़। नाउ व्हाट इज़ द, यू कैन से, वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड दिस डिवाइस? नाउ व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज, इट्स प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। नाउ इफ वी फिक्स द वॉल्यूम, द मैनोमीटर ट्रेसिस द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मर्करी लेवल फॉर अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी आइडियल गैस को अगर किसी कन्फाइंड स्पेस में उसको अगर हीट करें, तो उसका, अगर हमने उसको वॉल्यूम, कन्फाइंड स्पेस का मतलब क्या हुआ कि हमने, वी हैव फिक्स्ड इट्स वॉल्यूम, हमने उसकी वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। नाउ वेन वी, इफ वी स्टीट हीट दैट गैस, वट विल हैपन? नाउ वॉल्यूम इज कैन नॉट बी इंक्रीज, सो अल्टीमेटली वट विल हैपन, द प्रेशर ऑफ द गैस विल इंक्रीज। सो सेम वर्किंग प्रिंसिपल इज यूज इन दिस इंस्ट्रूमेंट। सो नाउ वैन द प्रेशर इज इंक्रीज, वी टेन टू मेजर द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सो वट एवर द वी गेट द रीडिंग्स अबाउट द प्रेशर, वी कैन ट्रांसलेट दैट वैल्यूज इन टू द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आर द टेम्परेचर।
नाउ दिस इज़ द डायग्राम फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट. सबको सुन रहा है ना? थोड़ा मुझे फीडबैक देता रहे ग्रुप बीच में. यस सर, सुन रहे ओके फाइन. सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट. जस्ट होल्ड ऑन, मैं लाइक इसमें आप मेरा कर्सर दिख रहा है ना सबको इसका? आर यू एबल टू सी द कर्सर मूवमेंट? ओके सर. ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन. ओके फाइन. सो हेयर दिस इज इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जरा बताना मुझे. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम? सर विच वन? इसका नाम क्या पीमार. है जो जो मैंने बना रखा है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है आपको? जैसा आई वांट टू नो, आप सुन रहे हो कि नहीं? ये देखो इसका नाम ही है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर. ठीक है. ओके सर. सो नेम इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस वर्किंग प्रिंसिपल इज इंटायरली बेस्ड ऑन द नेम. सो नाउ यू कैन सी हेयर देर आर दिस इज़ अ यूट्यूब मैनोमीटर. नाउ इट हैज़ टू लिम्स, वन इज लेफ्ट साइड इज ए एंड द राइट साइड इज बी. नाउ दिस ए लेफ्ट साइड जो इसकी जो ये लिम है, इट इज़ कनेक्टेड विद द दिस ग्लास ट्यूब. एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब देर इज अ बल्ब एंड इन द बल्ब वी हैव ट्रैप्ड अ गैस, एनी आइडियल गैस. इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी हीलियम, एनी आइडियल गैस विच हैज़ अ क्वाइट गुड यू कैन से एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन. नाउ वी हैव इमर्स दिस बल्ब इन एनी यू कैन से हॉट टब. ठीक है. अब इसको हमने यहाँ पे जो है इमर्स किया हुआ है, मतलब हॉट, मतलब उसमें नडे से इट मे बी वार्म वाटर. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन दिस वाटर विल कम इन कांटेक्ट विद द ग्लास ट्यूब, द ग्लास ट्यूब विल अल्टीमेटली ट्राई टू कम इन टू द थर्मल इक्विलिब्रियम. नाउ वंस द ग्लास ट्यूब एंड द वाटर टेम्परेचर बोथ बिकम सेम, वंस द ग्लास ट्यूब एंड वाटर बोथ कम्स इन टू थर्मल इक्विलिब्रियम, then again the glass will try to come in thermal equilibrium with the this gas jo uske andar entrapped hai. So once the gas and the thermal this glass tube comes into thermal equilibrium, at that instant we can say that the temperature of the gas and the temperature of the water in the beaker is same. So now what will happen when the gas will heat up, it will the pressure of the gas will start rising up. Because this whole system is a closed system, here there is a mercury column, gas cannot cross this column. ठीक है. So what will happen, it can only increase the pressure. So gas का जो pressure increase होगा. अब मुझे बताओ when there is a increase in pressure of the gas, what will happen, what do you think, what do you can imagine about this instrument, anyone? It will transfer into liquid. Which liquid? Mercury sir. Yeah, on the left arm. So what will you, ultimately this gas will try to you can say put pressure on this limb. Now ye gas jo hai yahan pe is left arm pe, it will you can say put pressure on this limb. Ab kya hoga, it will try to push down this mercury column and this mercury column is tend to rise on the right side. Yahan is taraf jo rise hoga yahan pe. नाउ वी हैव टू, अब इसमें हमने करना क्या है, वी हैव जस्ट वी हैव टू डू इट, वी हैव टू कीप दिस लेवल कॉन्स्टेंट. लेफ्ट साइड जो आर्म पे जो मर्करी के कॉलम की जो हाइट है, इसको हमने कॉन्स्टेंट रखना है. वी नेवर ट्राई दिस हैपन टू वेरी इट्स दिस हाइट, इसकी हाइट को हमने चेंज नहीं होने देना. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे यहाँ पे गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसकी जो है इट विल ट्राई टू push it down downwards, but we will try to keep it constant by putting more mercury on the right side. ठीक है.
अब इसका मतलब क्या हुआ, जितना जितना ये हाइट जो आपको दिखाई दे रही है राइट साइड पे, ये वाला एच जो है, जैसे जैसे हम इसके अंदर मरकरी को डालते जाएंगे, इसकी हाइट जो है मरकरी के कॉलम यहाँ से डेटम लाइन से ऊपर ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहेगी। अब जितनी जितनी ये हाइट इंक्रीज़ होगी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वी कैन स्ट्रेट अवे से दैट इतना प्रेशर जो है इस मैनोमीटर के ऊपर जो है अभी इसके अंदर इतना प्रेशर जो है, वी कैन मेजर दैट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मरकरी कॉलम हाइट। तो यहाँ से हम इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर, ये आपका एक जो है मैंने ब्रीफ में लिखा हुआ है, दिस ग्लास इन गैस इन दिस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जो थर्मामीटर, इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्लास बल्ब फिल्ड विद हाई एक्सपेंशन गैस लाइक हीलियम और हाइड्रोजन, देन प्रेशर इज मेजर्ड बाय यू ट्यूब मैनोमीटर, बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेस, अल्टीमेटली गैस देर इज अ गैस एक्सपेंशन इज अल्टीमेटली टेंड टू इंक्रीज द प्रेशर एट पॉइंट बी। नाउ व्हेन द प्रेशर इंक्रीज देन प्रेशर इज मेजर्ड बाय कीपिंग द लेवल एट ए कॉन्स्टेंट, देन द थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इसमें बताओ मुझे, इसमें वट एवर जो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, इसमें कौन सी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में? सब मरकरी थर्मोमीटर नहीं, वो तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है। आपने मैंने लास्ट जो क्लास में डिस्कस किया था कि हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, डिस्कस किया था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने जो है मरकरीन ग्लास थर्मोमीटर में हमने यूज़ किया था, जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसमें कौन सी की थी हमने, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि जब मरकरी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वो एक्सपेंड करती है, और वहाँ से जो है वो जो छोटी सी कंस्ट्रक्टेड ट्यूब के अंदर वो है आगे ऊपर की तरफ जो राइज करती है, तो उसको हमने वॉल्यूम जो है उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ किया था। अब यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, एनी वन, एनी आइडिया, एनी गेस यू वॉन्ट टू मेक? ये नाम सर देखो इसका, थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, कौन सी यूज़ करें, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, वी आर यूजिंग द प्रेशर। इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर ही वेरी हो रहा है ना दोनों तरफ। ये देखो यहाँ पे जो चीज़ वेरी हो रही है और जिसको मेजर कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था आपको। अब यहाँ पे चीज कौन सी चीज़ वेरी हो रही है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे इस केस में, इससे पहले जो हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं थी, उसमें वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा हो रही थी ट्यूब के अंदर। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो गैस है उसको हमने ट्रैप किया हुआ है, बट गैस का जो प्रेशर है वो यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि वो गैस का प्रेशर जब वेरी करेगा तो यहाँ पे इस तरफ इसकी हाइट के अंदर जो है वेरिएशन आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से सुनो उसको। जब यहाँ पे गैस का लेफ्ट साइड पे जब बल्ब के अंदर जो टेम्परेचर चेंज होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग गैस का प्रेशर भी यहाँ पे चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा सिस्टम क्लोज है, यहाँ पे वी हैव दिस आइसोलेट द गैस इन दिस ट्यूब एंड बल्ब, इसके अंदर आइसोलेट किया हुआ है, तो यहाँ पे गैस क्या कर सकती है, गैस सिर्फ क्या कर सकती है, इट कैन पुट प्रेशर ऑन द सिस्टम, यू ट्यूब के ऊपर प्रेशर डाल सकती है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना प्रेशर कम होगा, तो हम उस प्रेशर को जो है हम आगे मेजर कर रहे हैं। तो इसमें थर्मामीटर की प्रॉपर्टी क्या बनी आपकी, सर प्रेशर, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें हमने जो है प्रेशर को यूज़ किया टू मेजर द टेम्परेचर। अब इसमें हमने वी हैव मेजर द, जैसे मैंने बताया था हमने हाइट, वंस वी हैव दिस एबल टू ऑब्टेन दिस हाइट, ठीक है, तो हम आगे सिंपल कैलकुलेशन है वहाँ से हम इसका टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। यहाँ पे ये इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसके जो वेरियस मतलब फार्मूला के अंदर यूज़ होंगे, जैसे TTP, दिस इज ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें इस तरफ जो राइट साइड पे जहाँ पे मरकरी का हाइट है ये दिखाई दे रही है ना, इसके हाइट के ऊपर भी जो है ऑलरेडी देर इज़ अ कॉलम ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है इसके ऊपर पड़ रहा है, आपको पता ना सबका कितना होता है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आई थिंक यू एवरीबॉडी नो अबाउट दिस, कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, चलो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ यहाँ बना के, अब यहाँ पे क्या है,
इस तरह हम प्रेशर लेते हैं यहाँ पे, लेट अस से ये प्रेशर है आपका प्रेशर लाइन। नाउ यहाँ से लेके अगर कोई भी, लेट अस से दिस इज़ योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये डेटम प्रेशर है, यहाँ जीरो प्रेशर जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है यहाँ पे, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मतलब जो सी लेवल से भी नीचे है, जो एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर कहते हैं उसको, वैक्यूम प्रेशर। नाउ यहाँ से वैक्यूम प्रेशर से लेके यहाँ तक लेट अस से दिस इज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शायद आपने ये डायग्राम देखा होगा मुझे लगता है। अब मोस्टली जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे टेंड टू मेजर द प्रेशर अबव दिस पॉइंट, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है कंसिडर नहीं करते। ये जो पूरा वैल्यू है इसकी है 1.01 bar, ये वैल्यू जो है ये हम इसको जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें ऐड करनी पड़ती है ये वैल्यू हमेशा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दे नेवर मेजर द एब्सोल्यूट प्रेशर बट दे मेजर द दिस प्रेशर, इसको कहते हैं हम गेज प्रेशर, ये वाला जो प्रेशर है, तो दे विल नेवर कंसिडर दिस प्रेशर, तो वी हैव टू ऐड दिस प्रेशर। सो वट वी हैव टू डू इज, अगर हमने टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी गेज प्रेशर, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, प्लस क्या होएगा यहाँ पे बोलो, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा। अब ये जो है अब यहाँ पे क्या है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रेशर है पड़ रहा है वो, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा पी ए इसके अंदर, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू कंसिडर दिस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ पी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, जिसको मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर कहा था, सारा मिला के जितना भी प्रेशर है उसको हमने पी ए प्लस पी जो उसका गेज प्रेशर है उसको ऐड करना पड़ेगा। नाउ एच इज़ द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम एट बी, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा इसमें, अगर हमने अननोन टेम्परेचर को फाइंड करना है तो देन द फार्मूला इज अननोन टेम्परेचर इज इक्वल टू पी, मतलब टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय ट्रिपल दिस पी टी पी, पी टी पी कौन सा था ये यहाँ पे, पी बाय पी टी पी इंटू टी टी पी, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, पता है सबको क्या होता है, हेलो। नो सर, ये नहीं पता ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ट्रिपल पॉइंट जहाँ पे वाटर के अंदर तीनों फेसेस एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, जैसे कि आइस, ठीक है, आइस के साथ आइस क्या हो गया, सॉलिड फेस हो गया, और लिक्विड फेस हो गया वाटर, ठीक है, गैस, हाँ, तीनों अगर यहाँ पे कर, मतलब किसी एक पॉइंट पे उस प्रेशर पॉइंट को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, वहाँ पे हमने टेम्परेचर और प्रेशर की जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हमें जो है कंसीडर करना पड़ता है, तो एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है, दिस इज़ यूज्ड ए फिक्स पॉइंट, उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे ना पी ओवर पी टी पी, पी टी पी देखना पड़ेगा मुझे, मैंने ना यहाँ पे मुझे भी आइडिया नहीं है कि पी टी पी हमने कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने लिखा नहीं हुआ, पी तो होगा टोटल प्रेशर, पी टी पी आई डोंट नो एनी थिंग, इसमें देखना बुक में, जरा आप चेक करना बाद में, ठीक है, इसको लिख लेना आप। अब इसमें किसी ने कुछ पूछना हो, एनी यू वांट टू आस्क एनी थिंग सो दैट वी कैन मूव दिस नेक्स्ट स्लाइड, देख लो एक बार अच्छी तरह से, आगे चलते हैं फिर। यहाँ पे जो है ये फार्मूला के अंदर आई थिंक पी ओवर पी टी पी गया, मे बी टी टी पी ना हो यहाँ पे, बट मैं मुझे आइडिया नहीं यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू क्या है, कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए आप देख लेना। अब नाउ ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर जो है, ये बेसिकली हम जो है इसको कम यूज़ करते हैं, वी नॉट यूज इट मतलब डे टू डे बेसिस, बिकॉज इसमें एक दो चीज़ें जो है ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो है इस इंस्ट्रूमेंट का। अब रिस्पांस टाइम पता है आपको क्या होता है, रिस्पांस टाइम का मतलब है कि जैसे ही यहाँ पे हमने इसको इमर्स किया, यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर, जैसे ही हमने इसको इमर्स किया तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन टू गिव अस अ फाइनल एक्चुअल रीडिंग अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, क्योंकि उसको
थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आने में टाइम लगता है, ठीक है। इसमें फिर हमने मरकरी इसमें यहाँ इस तरफ लेवल में मरकरी को हमने उसमें वी हैव टू पुट मरकरी इन दिस राइट साइड नेम। तो सेकंड है कि एक तो इसका रिस्पांस टाइम स्लो है, और सेकंड ये है कि ये बल्की है, थोड़ा सा बल्की मतलब इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट वेरी कॉम्पैक्ट, इट इज़ बल्की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के जो है दिस इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड यू कैन से इन डे टू डे लाइफ, बट इट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, क्योंकि ये काफ़ी एक्यूरेट है ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट डाउन टू इसके ड्रॉबैक्स और टू इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। दो ड्रॉबैक्स हैं कि स्लो रिस्पॉन्स टाइम, और सेकेंड है इसका कि बल्कि है इस हाँ बल्कि मतलब बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा है। लेकिन इसका जो यू कैन से इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये एक्यूरेट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सेकेंड है कि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, लो कॉस्ट है ये एज़ कम्पेयर टू अदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज़ क्वाइट यू कैन से नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ विद इन रीच। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी थर्मोकपल। थर्मोकपल सबने पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल, थोड़ा बहुत आइडिया होगा सबको। नाउ थर्मोकपल कंसिस्ट ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि इफ द टू जंक्शंस आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड विच इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंशियल। अब थर्मोकपल जो है एक जो है डिवाइस है इस तरह से, जिसमें दो जंक्शंस होते हैं। यहाँ पे देखो एक लेफ्ट जंक्शन है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबको। अब इसमें दो जंक्शन क्या है, एक तो ये वाला जंक्शन हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे इस थर्मोकपल के जो यू कैन से कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, दो डिसिमिलर मेटल्स लेने हैं, हमने सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक कॉपर हो गया, एक कुछ और दूसरे मटेरियल हो गया, लेट अस से कॉपर एंड टाइटेनियम या कोई भी जिसके अंदर आई थिंक उसमें सीरीज में देखते हैं जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा यहाँ पे। तो इसमें दो मेटल डिफरेंट मेटल्स लेने हैं, उन दोनों के दो जंक्शन बनाने हैं। अब एक जंक्शन तो जो है आपको देख रहा है ये वाला लेफ्ट साइड पे, ठीक है। एक होता है रेफरेंस जंक्शन, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, यहाँ दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा स्क्रीन नीचे, ये रेफरेंस जंक्शन है इस तरफ वाला। नो सर दिख नहीं रहा है। अच्छा नीचे वो आ रहा है ना उसके, चलो ये वाला रेफरेंस जंक्शन है पूरा ये वाला, ठीक है। अब इसमें जिस भी यू कैन से स्पेस में या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है, उसमें हम ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये इसको जंक्शन को वहाँ पे हम जो है उसके साथ कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे इसको, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी है जिसका वट एवर वी वॉन्ट टू मेजर द टेम्परेचर, वी विल मे दिस ब्रिंग दिस जंक्शन इन टू द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट बॉडी। अब जो रेफरेंस जंक्शन है इसको हमने फिर अगेन वी कीप इट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मोस्टली वो भी 0 डिग्री पे रखना है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर हमने कॉन्स्टेंट रखना है, इसका टेम्परेचर जो है इट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर टू बी मेजर्ड, हो सकता है वो 100 डिग्री हो सकता है वो 500 डिग्री सेल्सियस हो, इट मे बी 2000 डिग्री सेल्सियस। अब जितना अब इसमें जो एज़ पर डेफिनेशन क्या है कि थर्मोकपल के अंदर जो दो जंक्शंस हैं उनको दोनों को डिफरेंट टेम्परेचर में अगर हम रखेंगे, ठीक है, इफ़ वी कीप दोज टू जंक्शंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स देन द ई एम एफ विल बी इंड्यूस्ड। तो इस सर्किट के अंदर क्या होगा, एक करंट जो है ई एम एफ जो है इंड्यूस होगा अपने आप ही। अब वो जो ई एम एफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू जो होगी इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंशियल, यानी कि जितना टेम्परेचर डिफरेंशियल ज़्यादा होगा, ये तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो गया सर, ठीक है ना, इसको तो हम जो है रेफरेंस मान के जा रहे हैं कि दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। इस तरफ जितना ज़्यादा होगा, या लेट अस से अगर यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस हुआ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी ईएमएफ जनरेट होगा, अगर यहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ईएमएफ जो है उससे भी कहीं ज़्यादा जो है इट विल इंड्यूस इन द सर्किट। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंशियल, ठीक है। अब जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो इस सर्किट के अंदर जो है इससे बाहर हमने दो जो इसके पॉइंट्स हैं दोनों को से हमने बाहर से आउटपुट लेनी है। अब यहाँ पे हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, वी कैन पुट द हेयर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो होता है इट यूज टू मेजर द अननोन ईएमएफ, ठीक है, चाहे वो जितना मर्जी स्मॉल हो उसको बड़ा एक्यूरेटली वो हमें बता सकता है कि कितना जो है वैल्यू है इसकी। तो पोटेंशियोमीटर लगा के यहाँ पे हम ईएमएफ को जो है वी कैन मेजर द ईएमएफ। वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ वी कैन ईजली ट्रांसलेट दैट वैल्यू इनटू द
कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल है ये आपके दोनों सिलेबस में है, आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट अस इसको ब्रीफली हम दोबारा एक बार देख लेते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू जंक्शन मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स। नाउ वन जंक्शन इज नोन एज रेफरेंस जंक्शन एंड इट इज कैप्ट एट अ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब इट विल कैप्ट कैप्ट एट अ 0 डिग्री सेल्सियस मोस्टली। अदर जंक्शन इज यूज टू मेजर द अननोन टेम्परेचर। जिस भी बॉडी का हमने टेम्परेचर मेजर करना है वी विल ब्रिंग दैट जंक्शन इन टू द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट बॉडी। अब पोटेंशियोमीटर इज यूज, देखो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर जो होता है ये आप देख लेना, कहीं कहीं भी देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना कि कैसे उसके व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है इस सर्किट के अंदर जो इंड्यूस हुआ है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इट इज़ यू कैन से डिक्टेटेड बाय, इट इज वर्किंग प्रिंसिपल गिवन बाय सीबेक एंड पेल्ट्री इफेक्ट। दोनों के कंबाइन इफेक्ट से जो है ये फिनोमेना जो है अपीयर होता है। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी। नाउ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज, यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज जो हो रही है कौन सी है? इलेक्ट्रोमेट्रिक फोर्स। हाँ ये देखा हुआ है ईएमएफ। नाउ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में जो यूज हो रही है हम ईएमएफ को भी मेयर कर रहे हैं। यहाँ पे वी आर मेयरिंग द अननोन ईएमएफ, जो भी हमारी वैल्यू है उसकी हम उस जो मेयर करके उससे टेम्परेचर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो है ईएमएफ। ठीक है, दिस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। नाउ ईएमएफ जो है इट इज़ कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। नाउ दिस इज द फार्मूला, मैंने यहाँ दिया नहीं हुआ आई थिंक। इसका जो फार्मूला है वो है ई एम एफ इजिकल टू, लिखना बड़ा मुश्किल है इस पर, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी टी क्यूब। टी इज एट, बस इतना से याद रखना अभी फ़िलहाल तो, कि ये इसका फार्मूला है, आपकी बुक में भी दे रखा होगा ये। ठीक है, इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना क्योंकि इतना ही है, आपको वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए और इसके पीछे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है वो पता होना चाहिए। आपने इतना ही डिफाइन करना है इसमें और एंड में फार्मूला लिखना है बस। सो दिस इज़ योर थर्मोकपल। ठीक है, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो, एनी वन हु वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग ही में आस्क मी राइट। ये जो रेफरेंस वाला एक बार ऊपर का बताना, थोड़ा सा मेटल लेके राइट। हाँ चलो, मैं इसका ना एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा। फिर नोटबुक पे बना लो आप सर, नोटबुक में बनाता हूँ इस पर, वही देख रहा हूँ। यही होती है नोटबुक। अच्छा ये देखो, इसमें ऐसा है, इसमें दो रिएक्शन जंक्शंस होंगे और लेट अस से दिस इज सॉरी दोहरा करता हूँ इसको। अब यहाँ से नहीं, एक इसको अच्छी तरह समझाता हूँ। ये सेकंड मटेरियल है लेटर से, ठीक है। अब ये हमारा हो गया टेम्परेचर मेजरिंग जंक्शन, जिसको जिसका भी टेम्परेचर फाइंड करना है, ये तो वो जंक्शन हो गया। ये हो गया हमारा रेफरेंस जंक्शन।
अब इसमें रेफरेंस जंक्शन में क्या करते हैं, हम इन दोनों को अलग अलग ट्यूब में रखते हैं वैसे तो, और इसमें बीकर में होता है सारा सिस्टम ये। इसमें यहाँ पे सारे हमने आइस भर के रखनी है इसके अंदर, दोनों जो है इसमें रेफरेंस जंक्शन में कॉन्टैक्ट में नहीं होते। यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो मैंने दिखाया है ऐसे कॉन्टैक्ट में नहीं होगा, अलग अलग बीकर्स में होंगे ये, ठीक है। ओके सर, इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, तेरी सारे साफ हो गए तो। सर ठीक है, समझ में आ रहा है, बस थोड़ा सा आप हाँ चलो मैं थोड़ा क्लियर हाँ कर जी देता ठीक हूँ, ये यहाँ तक ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब है उसमें ठीक है अब यहाँ पे क्या है, इसमें जो है टेम्परेचर हमने कितना रखना है, रेफरेंस जंक्शन में ये 0 डिग्री पे है सारा कुछ, जी ट्रिपल पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सर रेफरेंस जंक्शन से हमने दो यहाँ से कंडक्टर जो है लेके जाने हैं, एक यहाँ से उठा लिया वायर, एक उठा ली यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। सर अब क्या होगा, यहाँ से ये फ्लिकर हो रही है स्क्रीन, तुम्हारे भी हो रही है उधर, क्यों मुझे दिख रही है। थोड़ी थोड़ी हाँ अच्छा जी अब यहाँ पे इसके साथ हमने पोटेंशियोमीटर लगाना है, यहाँ पे इन दोनों जंक्शंस के जो कांटेक्ट जो है हमने पोटेंशियोमीटर को देना है, ठीक है। एक एक यहाँ पे हो गया कांटेक्ट, एक यहाँ पे हो गया। ये क्या करेगा, ये ईएमएफ हमें जितना भी मेजर करके बता ईएमएफ देगा, का हाँ इंड्यू वो इंड्यूस ईएमएफ को हमें रेफरेंस बता देगा, इंड्यूस ईएमएफ यानी को कि मेजर करेगा। हाँ ये जो पूरा सिस्टम है ये वाला राइट साइड वाला, ये इसको कहते हैं रेफरेंस जंक्शन, ठीक है। और ये ओके लेफ्ट सर साइड वाला ये अननोन पॉइंट टेम्परेचर को मेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये दोनों मेटल्स जो हैं ये डिसलेमर मेटल है, ठीक है, प्लेटिनम टाइटेनियम कुछ भी हो सकता है, ये प्लेटिनम या कुछ अलग अलग मेटल, ए मेटल बी, ठीक है। अब इसमें जो ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा हम इसको मेयर करके टेम्परेचर की टर्म्स में हम जो है वी कैन ट्रांसलेट इन टू टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो इस तरह से ये आपका काम करता है। समझ आ गया ये, यस आई सर थिंक अब तो समझ आ गया होगा। ठीक मैं एक बार दोबारा ना इसको बंद करके स्क्रीन को फिर प्रेजेंट करता हूँ, ये काफ़ी ब्लिकर हो रही सर है। नहीं यहाँ तक अब ठीक हो गई। जैसे होल्ड ऑन वो बंद हो गया, चलो आगे नेक्स्ट करते हैं, हम स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हीट एंड वर्क इंट्रैक्शन विद द सिस्टम। हीट और वर्क जो है हाउ दे इंट्रैक्ट विद द सिस्टम, वी विल जस्ट गेट एन ओवरव्यू ऑफ हीट एंड वर्क इंट्रैक्शन विद द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। नाउ आपको सबको पता है कि हीट जो है, हीट इज़ अ यू कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हीट जो है सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ जो है दो तरह से इंटरेक्ट कर सकता है, आइदर इट विल इंटरेक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ हीट और इट में इंटरेक्ट विद बाय एक्सचेंज ऑफ वर्क, ठीक है। अब हीट में क्या है कि जितना टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा होगा हम कह सकते हैं कि उतना ही उसके अंदर हीट कॉन्टेंट्स ज़्यादा है, सुना है ना सबको, मोर विल बी द यस सर टेम्परेचर ऑफ अ यस सर बॉडी मोर विल बी द हीट कॉन्टेंट। तो इस स्क्रीन दिख रही है जो मैं नो दिखा रहा सर हूँ, नहीं दिख रही ना, नो सर नो ये तो पता ही नहीं लगता, यहाँ तो कुछ और ही आ रहा।
भी आया सर। अच्छा अब आ रहा है ना, वही मैं जरूरत है मैं कुछ वहाँ। सो हीट इंट्रैक्शन जो है, जितनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी उसके अंदर हीट कंटेंट ज़्यादा होंगे। नाउ हीट इंट्रैक्ट विद द सराउंडिंग्स ओनली ऑन द बाउंड्रीज। हीट जो है सराउंडिंग के साथ जो है सिर्फ बाउंड्रीज पे ही जो है इंट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। मतलब जो भी आपको हीट इंट्रैक्शन में जो हमें जो भी प्रोसेस नज़र आएगा, ठीक है, इट वी विल वी कैन ओनली यू कैन से ऑब्जर्व इट ऑन द सिस्टम बाउंड्रीज। नाउ हीट को हम कहते हैं हीट इज़ अ लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। हीट एंड वर्क के अंदर दो जो चीज़ें टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक हम कहते हैं कि हीट इज़ अ लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज़ अ हाई ग्रेड एनर्जी। नाउ व्हाई वी यूज टू से दिस कि हीट जो है लो ग्रेड एनर्जी है, इसका रीज़न ये है कि आपको पता है हीट एंड वर्क बोथ आर मतलब इंटर यू कैन से चेंजेबल। हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हीट जो है लो ग्रेड एनर्जी इसलिए है क्योंकि वी कैन नॉट ट्रांसफर ऑल अमाउंट ऑफ हीट इन टू ऑल जस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। लेट अस से अगर हमारे पास लेट अस से 100 किलो जूल्स अगर हमारे पास हीट है, ठीक है, हीट की जो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ हीट, अगर हमारे पास 100 किलो जूल्स ऑफ हीट है, यू कैन नॉट ट्रांसफ़र ऑल दिस हीट इन टू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। यू कैन नॉट ट्रांसफ़र ऑल द 100 किलो जूल्स इन टू 100 किलो जूल्स ऑफ वर्क, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी तक हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स के अंदर ऐसी कोई मशीन डिज़ाइन नहीं हुई, ऐसा कोई साइकिल डिज़ाइन नहीं हुआ जिसके अंदर कि हम 100% हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकें। इवन इफ़ यू ऑब्जर्व इन ऑटोमोबाइल्स, जितनी आपकी गाड़ियाँ, जितने भी इंजन्स हमारे आईसी इंजन्स हैं या डीजल इंजन है या जो भी वट एवर कोई भी इंजन है या टर्बाइन है, वी कैन नॉट वी राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट 100% हीट इन टू 100% इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। गाड़ी के अंदर जो आपकी आईसी इंजन है, आपको पता होगा अगर आईसी इंजन की जो हाँ थर्मोडाइनमिक थर्मल एफिशिएंसी है, इट इज़ ओनली 30%। यानी कि अगर हम इसमें 100 किलो जूल्स हीट उसमें फ्यूल बर्न करते हैं, लेट अस से ई वी बर्न पेट्रोल इंजन के अंदर, अगर 100 किलो जूल्स पेट्रोल जो वहाँ से हम एनर्जी सप्लाई करते हैं थ्रू बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोल, देन यू कैन नॉट गेट 100 किलो जूल्स ऑफ वर्क आउटपुट, यू विल गेट ओनली 30 किलो जूल्स ऑफ वर्क आउटपुट, ठीक है। 30 किलो जूल्स आपकी जो है वो आपकी एग्जॉस्ट के थ्रू वेस्ट हो जाता है, और लेट अस से 30% आपका जो सेकेंड पोर्शन है वो जो है इट विल यू हैव टू रिजेक्ट इन टू द सिंक, जिसको हम कहते हैं हीट सोर्स एंड सिंक, सिंक आपको रिजेक्ट करना पड़ता है, तो आपका 100% वर्क आउटपुट नहीं मिलती हमें, ठीक है। दैट इज़ वाई वी यूज टू से हीट इज़ अ लो ग्रेट एनर्जी। नाउ सिंस वी कैन नॉट कन्वर्ट ऑल द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन टू वर्क, सो वी कैन राइट दिस एज कि क्यू इज़ ऑलवेज और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू। यानी जितना भी हमारे पास वर्क होगा, सॉरी जितनी भी हमारे पास हीट एनर्जी होगी उसको हम वर्क जो है कन्वर्ट करेंगे तो वर्क से ज़्यादा ज़्यादा हो रहेगी या फिर वो इक्वल हो सकती है, इक्वल तो हो नहीं सकती। तो इस तरह से जो इक्वेशन बनती है कि हीट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वर्क। सो अगर हम इक्वलिटी को उठाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वर्क क्यों हीट को सॉरी डेल्टा यू कन्वर्ट करते हैं वर्क में, तो उसका कुछ पोर्शन जो है इट विल यूज अप या एंड अप इन द बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी उसका कुछ पोर्शन जो है या तो उससे क्या होगा जो बाकी आप पूछोगे ना कि अगर सारा का सारी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती तो बाकी कहाँ जाती है, तो बाकी एनर्जी जो है इट विल आइदर इट विल गो इन टू द सिस्टम एज अ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो है उससे रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है, या फिर किसी और फॉर्म में जा सकती है, मे बी इट विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और इट मे इंक्रीज सम सॉर्ट ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बट यू विल नॉट गेट ऑल द 100% वर्क आउटपुट। द अदर पोर्शन विल ऑलवेज गो इन अदर फॉर्म, और यू कैन से इट विल स्टोर इन द सिस्टम इन अनदर फॉर्म। सो दिस इज हाउ एन हीट एनर्जी इंट्रैक्ट विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ये सिर्फ ओवरव्यू है, आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जैसे मैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जो है अच्छा
ये तो हो गया आपका हीट इंट्रैक्शन. नेक्स्ट इज अ वर्क ट्रांसफर, योर वर्क इंट्रैक्शन विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. नाउ वर्क फ्लो ओनली ऑकर इफ देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस. हेलो, आवाज क्लियर है ना? अब इसमें एज पर डेफिनेशन वी कैन से दैट द वर्क जो फ्लो होता है किसी भी सिस्टम से सराउंडिंग्स के अंदर या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर वो तभी होगा. इट कैन ओनली यू कैन से इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर डिफरेंशियल है, अगर देर इज़ नो टेम्परेचर डिफरेंशियल देन नो वर्क कैन फ्लो. ठीक है. अब जैसे हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात कर रहे थे अभी, पेट्रोल इंजन की. अब पेट्रोल इंजन के अंदर वर्क तभी आपको आउटपुट मिलेगी अगर वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंशियल है. अब टेम्परेचर डिफरेंशियल कब होता है? जब वहाँ पे पावर स्टोक होती है, जब वहाँ पे फ्यूल बर्न करते हैं हम, जब पिस्टन के ऊपर हम जो है व्हेन देर इज़ अ आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक देर विल बी अ स्पार्क. एंड स्पार्क से क्या होता है, जो आपने फ्यूल उसके अंदर जो हमने इंजेक्ट किया है उसको एकदम अचानक इट विल कैच फायर. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एट दैट इंस्टेंट. So you can say there is a lot, temperature is very very high in the inside the piston and cylinder, and but outside the temperature is quite low. So there is a lot of temperature differential. तभी आपको वर्क आउटपुट मिल रही है. अगर आप सोचो कि पिस्टन और सिलेंडर के अंदर भी सेम टेम्परेचर है 35 डिग्री और एम्बियंट टेम्परेचर भी 35 डिग्री है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट एनी वर्क आउटपुट. आप जो मर्जी करो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंशियल. करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? हेलो, जैसे करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. ठीक है. पानी को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? हाइट का डिफरेंस चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं डिफरेंस ऑफ हेड, हेड डिफरेंशियल चाहिए. ठीक है. इसी तरह से करंट को फ्लो कराने के लिए, सॉरी इसको वर्क को आउट लेने के लिए हमें हीट डिफरेंशियल चाहिए. उसके बाद देर आर ऑलवेज थ्री टाइप्स ऑफ वर्क इंट्रैक्शन विद द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. जब भी हम सिस्टम या सराउंडिंग्स का अगर ऑब्जर्व करें तो तीन तरह से हमें वर्क आउटपुट मिलती है. ठीक है. मतलब अगर हम एक मोटा मोटा देखें तो आपको थ्री एंड यू कैन गेट वर्क आउटपुट इन थ्री डिफरेंट वेज. ठीक है. वो आगे मैं बता दूँगा कौन कौन से तरीके हैं. तो आपको तीन तरह से वर्क आउटपुट मिल सकती है. एंड वर्क इज़ कंसिडर्ड एज हाई ग्रेड एनर्जी. जितना भी वर्क है वो सारा का सारा एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ हाई ग्रेड एनर्जी इसको कहते हैं. ठीक है. तो वह इक्वेशन सेम चलेगी, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा यू. अब तीन तरह से जो मैंने आपको बताया था वर्क आउटपुट मिलेगी वो आपकी ये है. यहाँ पे देखो एक सिस्टम है पिस्टन और सिलेंडर का. दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज अ पिस्टन. अब एक तो आपका जो है आपको मिल रही है वर्क आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे करंट से. ये देखो यहाँ पे अगर हम एक सर्किट लगाते हैं उसके अंदर करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ से हमें कुछ जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ठीक है. तो उसके आगे हम कोई भी डाटा से वी कैन यूज़ एनी मोटर एनीथिंग वी कैन गेट वर्क आउटपुट. सेकंड हो गया कि आप एक शाफ्ट से वर्क आउटपुट ले सकते हो या इनपुट दे सकते हो. जैसे हमने शाफ्ट से जो है मोटर लगाई और शाफ्ट शाफ्ट ने क्या किया, जो भी अंदर फ्लूड है उसको उसने उसके अंदर मूवमेंट की, तो एक वर्क आउटपुट वो होगी. तीसरी वर्क आउटपुट किस तरह से हुई? बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन. जैसे इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जब पिस्टन यहाँ पे अगर यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो देर विल इंक्रीज इन प्रेशर. सो ड्यू टू द हायर प्रेशर दैट विल पुश द पिस्टन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन या इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो वहाँ से आगे हम कुछ भी प्राइम मूव को लगा के हम यहाँ से वर्क आउटपुट ले सकते हैं. तो इस तरह से आपको तीन तरह से वर्क आउटपुट मिल सकती है. ठीक है. तो ये आपका है. नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. ओके सर. ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू सर.